दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी बीबी हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनकी एक खूबी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी दुनिया जानती है ऐसी बीबी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। अगर हो तो रंग से बन जाते हैं राजा। दोस्तों, ऐसी बीबी शायद आपको सपनों में जरूर मिल सकती है, लेकिन हकीकत में मिलना माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ने के बराबर होगा। कहा जाता है कि पत्नी अगर सौभाग्यशाली हो तो पति का जीवन खुद ब खुद सरल और खुशहाल हो जाता है, लेकिन यदि घर की लक्ष्मी पत्नी कर्कशा हो और अच्छे गुणों वाली नहीं हो तो वो घर के साथ साथ पति के खुशहाल जीवन को भी नरक से बदतर उसका जीवन बना देती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की ऐसी बीबी अगर हो तो संसार पर विजय प्राप्त बड़ी आसानी से की जा सकती है। हर जगह आपकी जय, मान सम्मान, सुख की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसी बीबी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं। दोस्तों, नंबर वन, चाणक्य ने साफ साफ कहा है, सबसे पहले आप अपनी बीबी में ममता देखें। अगर उसमें ममता है तो आप दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ममता के कई रूप हैं, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, उनके माता पिता के साथ कैसा व्यवहार है, वगैरह वगैरह। अगर व्यवहार अच्छा है तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। दोस्तों, नंबर टू, अपनी बीबी को देखें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। शास्त्र कहता है जो स्त्री सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ नहीं करती तो ये उसके मान सम्मान को ठेस तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ जहां भी ये जाती है उस घर में माता लक्ष्मी इनके साथ कभी नहीं जाती, जो कि ये एक सबसे बुरा संकेत है। दोस्तों, नंबर थ्री, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जो स्त्री अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती है तो वही स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। सास ससुर में माता पिता को देखना शास्त्र का सम्मान माना जाता है। सच मायने में माँ लक्ष्मी यही वास करती है। दोस्तों, नंबर फोर, घर की बात को बाहर करना। चाणक्य की नीति के अनुसार घर का कोई भी राज जब कोई बहू बाहर कर दे तो उसी क्षण वो स्त्री उस घर के योग्य नहीं रह जाती। घर के लिए ऐसी बहू विनाशकारी साबित मानी जाती है। ऐसे में किसी भी बहू को पड़ोस में तालमेल भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर फाइव, पति पत्नी का झगड़ा। पति पत्नी दोनों में अगर सहन शक्ति नहीं है तो वो घर जल्दी ही विनाशकारी की ओर बढ़ जाता है। ऐसे में दोनों में सहन शक्ति होना आवश्यक है। जहां अगर पति नाराज होता है तो पत्नी को उन्हें मनाना चाहिए, और अगर पत्नी नाराज होती है तो पति को मनाना आवश्यक है। सच मायने में इसी को कहते हैं मेरा घर स्वर्ग से सुंदर। दोस्तों, नंबर सिक्स, चाणक्य के अनुसार पत्नी की इच्छा अगर सीमित है तो समझो आपने जग जीत लिया। जिस महिला में अगर अपनी इच्छा पूरी करने की जिद होगी तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। ऐसे में इनका पति भी गलत रास्तों पर चल पड़ता है। महिलाओं में इच्छा सीमित होना सबसे बड़ी विजय होती है। दोस्तों, नंबर सेवन, चाणक्य की नीति के अनुसार जो पति अगर किसी गैर औरत की तारीफ करता है तो उसे उसी क्षण आपको त्याग देना चाहिए, और अगर पत्नी किसी गैर पुरुष को देखे या उसकी तारीफ करे तो उसे भी आपको उसी क्षण त्याग देना चाहिए, जो कि ये कोई छोटी गलती नहीं है, इसे सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। दोस्तों, नंबर एट, स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और जब कोई स्त्री अपने मुख से गालियों का प्रयोग करती है, मुख से अपशब्द निकालती है तो ये लक्षण भी शुभ नहीं होते। स्त्री का क्रोध होना पूरे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। दोस्तों, नंबर नाइन, अगर आपकी पत्नी घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है तो ऐसे में आप कभी भी बर्बादी की ओर जा सकते हैं। घर की जिम्मेदारियों से भागना धन को लात मारने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी बीबी में ऐसे गुण हैं तो आप सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति में शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है।